बड़े दृढ़ शब्दों में श्री काकबसुंडी जी कह रहे हैं, बोले प्रभु के चरणों की भक्ति छोड़कर कोई सुख चाहता है, बोले वो तो ऐसा है, मूड ऐसा है मानो बिना जहाज के समुद्र पार करना चाहता है। बोले कोई तैरकर भी समुद्र पार कर सकता है? आप व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछो या अध्यात्म से संबंधित प्रश्न पूछो, सब प्रश्नों का उत्तर तो एक है कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। देखो भाई, शास्त्र आदि का विचार करके सार ग्रहण करने की मेधा हमारे पास में है नहीं, अल्प सा जीवन है, अल्प गति अल्प मति, ऐसा ही कलयुग का मनुष्य है। बुद्धिमान वही है जो बिल्कुल सार की बात ग्रहण कर ले, बड़ा थोड़ा समय है और संत बार बार जगा रहे हैं, बहुत गई थोड़ी रही सौ बीती जाए, संत बार बार जगा रहे हैं कि ये वृंदावन ये रवि जातट ये सतसंग न पावो रे, ये नर देह सजन प्रभु दीनी ता ही न विषय गमावो। और जहां इस प्रसंग का आरंभ हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि अनुभव जो है महापुरुषों का जो अनुभव है ना, ये तो उनका कमाया हुआ धन है, वो कृपा करके सीधे सीधे हमें दे रहे हैं, बिना ही परिश्रम के हमको प्राप्त हो रहा है। और ऐसे महापुरुषों का अनुभव है, काकबसुंडी जी अपना अनुभव कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेस। आप देखो, बिना भगवत भक्ति के ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य शरीर पाकर भी जीव कितने कितने कष्ट भोगता है, वहां वो काग के शरीर में बने और मुनियों को भी दुर्लभ गति श्री राम के चरणों की प्रीति प्राप्त करके बैठे। बड़े दृढ़ शब्दों में श्री काकबसुंडी जी कह रहे हैं, सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाय। बोले ध्यान से हमारी बात सुनिए, बोले प्रभु के चरणों की भक्ति छोड़कर कोई सुख चाहता है, तेसठ महासिंधु बिन तरनी। बोले वो तो ऐसा है, मूड ऐसा है मानो बिना जहाज के समुद्र पार करना चाहता है। बोले कोई तैरकर भी समुद्र पार कर सकता है? कितना भी समर्थ क्यों ना हो, तैरकर समुद्र पार नहीं किया जाता है। बोले जो बिना भगवत भक्ति के सुख चाहता है, जो सुख की कल्पना कर रहा है, आपको स्मरण हो मैंने आपसे कभी कहा था, अनेक अनेक प्रश्नों का उत्तर तो एक ही है ना भाई, कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। आप व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछो या अध्यात्म से संबंधित प्रश्न पूछो, सब प्रश्नों का उत्तर तो एक है कि सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाय। लिए गरुड़ जी, भगवान की भक्ति को छोड़कर जो किसी अन्य प्रकार से सुख चाहता है, तीसठ महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहे जड़ कर। वो तो ऐसे मूर्ख हैं, बिना जहाज के समुद्र पार करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है, किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से जीव के सुख का विधान करने वाली तो श्री हरि चरणों की भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। उन्होंने कहा, देखिए मैंने किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति का पक्ष नहीं छोड़ा, मैं भक्ति के पक्ष में ही बना रहा, सब मुनियों की सब बातें सुनता रहा, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति का भाव मेरे हृदय में दृढ़ रूप से बना रहा। कह रहे हैं कि मुझे श्राप भी मिला, कह रहे पर अंतिम परिणाम क्या आया, मुनि दुर्लभ बर पाया। बोले वो भक्ति, वो सिद्धियां, वो स्थिति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, बोले वो मुझे भगवत भजन के प्रताप से प्राप्त हुई। कह रहे देखो भजन प्रताप, महापुरुष अपने शब्द से, अपने विचार से, अपने भाव से, अपने आचरण से किसी ना किसी प्रकार से भाई जीव को भजन में ही तो लगाता है। और काकबसुंडी जी कहने से चूके नहीं, क्योंकि ऐसी भक्ति को छोड़कर जो केवल कोरा ज्ञान अर्जित करने में ही लगे रहते हैं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं, बोले वो घर पर बंधी काम धेनु को छोड़कर खोजत आक फिरत पैला। बोले दूध के लिए मानो आंख का पौधा खोजते फिरते हैं, ऐसी भक्ति को छोड़कर, अस प्रभु छाड़ भजहीं जे आना, तेनर पशु बिन पूछ समान। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपको यही कहा
कि देवर्षि नारद जब भक्ति सूत्र का विश्राम करते तो यही कहते हैं अंत में, त्रिसत्य यानी त्रिकाल सत्य है, अखंड सत्य है, कोई भी समय हो कोई भी युग हो, भक्ति रेव गरी असी, भक्ति रेव गरी असी, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है।